हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में लेके आई हूँ आपके लिए स्ट्रोक पेंटिंग। कलर्स सिलेक्शन मैंने खुद से की है, इसमें आ जाता है मेरा वाइट एंड पर्पल एंड येलो एंड ग्रीन। तो शुरू करने से पहले थोड़ा सा बेसिक्स को मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। अगर आपको मुझे सीखना है या कुछ बाय करना है, कुछ बनवाना है, तो डेफिनेटली आप मुझे सब्सक्राइब किए, कॉन्टैक्ट कीजिए। और आपको किस तरह के ब्रश की ज़रूरत है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। आपको एक फ्लैट ब्रश की ज़रूरत होती है, ये मेरी शीट है, इस पर मैं एक अच्छा सा ट्यूटोरियल आपको आज बताने वाली हूँ। सो ये मेरा फ्लैट ब्रश है जिसको मैं स्ट्रोक पेंटिंग में यूज़ करने वाली हूँ। तो पहला तरीका जो इसमें रहता है वो ये रहता है कि हाफ ऑफ द ब्रश में आप अलग कलर लेंगे, हाफ में अलग लेंगे। जैसे कि मैं एक तरफ जो है अपना येलो कलर ले रही हूँ, और एक तरफ मैं अपना ग्रीन कलर ले रही हूँ, और इस तरह से मैं इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करूँगी। ठीक है, तो मैं जब भी लूँगी मैं ब्रश के दोनों तरफ इसको लूँगी और इस तरह से मैं इसको ड्रॉ कर कर देखूँगी। देखिए, ठीक है, तो मुझे येलो और लेने की ज़रूरत है तो मैं येलो और ज़्यादा लूँगी इस तरह से। और अगर मैं एक लीव बनाने की बात करूँ तो लीव के लिए मैं जो हमारा ये येलो वाला पार्ट है वो अंदर की तरफ रखेंगे और ग्रीन वाला बाहर की तरफ। जैसे मैंने ये किया, 1 2 3, ठीक है, और इस तरह से दोबारा से उठाऊंगी कलर को और मैंने येलो पार्ट अंदर की तरफ रखना है। तो ये वाला पोर्शन था इस तरह से जाएगा, 1 2 3। तो ये मेरी फर्स्ट लीव जो है यहाँ पर निकल के आ गई है। तो इस तरह से मैंने लीव्स बनानी है। और अब मैं आपको बताने वाली हूँ थोड़ा सा फ्लावर पार्ट। फ्लावर पार्ट में मैं ग्रीन कलर का यूज़ नहीं करूँगी। ये मैंने एक लीव पार्ट आपको एक्सप्लेन करना था जो आई थिंक मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है कि मुझे एक फ्लावर बनाकर दिखाना है। एंड फ्लावर मैं जो चूज़ कर रही हूँ दैट इज़ अ स्किन। आज जो मैं आपको समझाने वाली हूँ वो मेरा रोज़ फ्लावर नहीं है। और इस तरह से मैं एक आपको वो एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि किस तरह से मैं फ्लावर बनाऊँगी। मैं यहाँ पर बेस थोड़ा अच्छा वाला प्रिपेयर करूँगी इस तरह से। ठीक है, ये मैंने एक प्रिपेयर करा है, यहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छा सा फ्लावर बना के दिखाने वाली हूँ और आई थिंक आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा और काफ़ी अच्छा भी लगेगा। तो ये मैंने बेस प्रिपेयर करा है और मैं यहाँ से पर्पल कलर उठाऊँगी और एक फ्लावर यहाँ पे इस तरह से बनाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, इस तरह से इस तरह से
इस तरह से मैंने एक फ्लावर यहाँ पे क्रिएट किया है और ये रहा मेरा फ्लावर। ओके सो दिस इज द फ्लावर, जो ब्रश अवेलेबल है इससे मैं इसके बीच में येलो कलर यूज करने वाली हूँ और मैं डॉट्स लगाने वाली हूँ, ओके सो दैट इट लुक्स मोर लाइक अ फ्लावर। एंड ये इस तरह से लगाने वाली हूँ, ओके मैक्सिमम ट्राई कर रहे हैं कि ये इट विल लुक मोर लाइक फ्लावर। तो ट्राइंग इट, ओके दिस इज लुकिंग लाइक अ फ्लावर। ओके तो ये हमारा निकल के आया है बहुत ही प्यारा सा फ्लावर। सो दिस इज अ हाइड्रेंजिया फ्लावर जो मैंने यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश की है। हमने थोड़ा सा यहाँ पर हाइड्रेंजिया फ्लावर के एक स्टेम बनाने वाली हूँ थोड़ा इस तरह से, ठीक है। अगेन हम यूज करने वाले हैं ये ब्रश, यही लीव हम बनाने वाले हैं और ये रही कंसिस्टेंसी ग्रीन और येलो की। ये रहा हमारा तरीका 1 2 3 4, ओके तो डाउन तरफ लेके जाएंगे और 1 2 3 4 ये करेंगे। और अब इसको कंबाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें फिल करके इसको इस तरह से कंबाइन करेंगे, ठीक है। अगेन वही स्टेप करेंगे, येलो लेंगे, सॉरी ग्रीन लेंगे और लीव्स बनाएंगे बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पर। 1 2 3 4, ठीक है, और करेंगे 1 1 2 3 4 और इसको अगर इस तरह से लीव्स ऐड करनी है तो डेफिनेटली आप वो भी कर सकते हैं। उसके लिए अगेन आपको इस तरह से हाफ में वो और लेना पड़ेगा और ये येलो पार्ट हमने अंदर रखना है, हमें हमेशा याद रखना है इस चीज़ को। और ये रहेगा इस तरह से 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। तो आई थिंक ये बहुत ही ब्यूटीफुली जो है फ्लावर निकल के आया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। विद द स्ट्रोक पेंटिंग यू कैन मेक दिस काइंड ऑफ हाइड्रेंजियास। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, सपोर्ट माय चैनल।